प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आगमन पर सोमवार को भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं द्वारा बेतिहाता चौराहा स्थित शहीद भगत सिंह तथा अंबेडकर चौराहा स्थित बाबा भीमराव अंबेडकर जी के प्रतिमा पर माल्यार्पण किया गया, जिसके संबंध में क्षेत्रीय अध्यक्ष धर्मेंद्र सिंह ने बताया कि 6 दिसंबर को बाबा भीमराव अंबेडकर जी का परिनिर्वाण दिवस है। हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने उनकी प्रतिमा पर माल्यार्पण कर उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि दी है। उन्होंने कहा कि गोरखपुर में 7 दिसंबर को प्रधानमंत्री का आगमन हो रहा है। प्रधानमंत्री खाद कारखाना व एम्स का लोकार्पण करेंगे। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री के स्वागत की हर स्तर पर तैयारी की गई है। यह रैली ऐतिहासिक और प्रदेश की सबसे बड़ी रैली होगी, जिसके लिए भाजपा जी तोड़ मेहनत कर रही है। इस अवसर पर राष्ट्रीय मंत्री अरविंद मेनन, महानगर अध्यक्ष राजेश गुप्ता, रणविजय शाही, रणजय सिंह जुगनू, देवी श्रीवास्तव सहित अन्य कार्यकर्ता मौजूद रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए भाजपा के क्षेत्रीय अध्यक्ष धर्मेंद्र सिंह ने कहा, भगत सिंह अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे, भगत सिंह अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे, भारत माता की जय, भगत सिंह अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे, भगत सिंह अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का महानिर्वाण दिवस है और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हर वर्ष की बात आज उनको माल्यार्पण करके उनको याद कर रहे हैं। हमारे प्रधानमंत्री जी मोदी जी की कल गोरखपुर में एक विशाल रैली भी है, इसलिए आज जहां हम सब बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी को याद कर रहे हैं, उनको माल्यार्पण कर रहे हैं, वहीं गोरखपुर महानगर के सभी महापुरुषों के मूर्तियों को गोरखपुर महानगर के सभी कार्यकर्ताओं ने आज सफाई अभियान के तहत, स्वच्छता अभियान के तहत सफाई की है, उनके मूर्तियों पर माल्यार्पण किया है और आज हम सब को बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी को याद करते हुए, उन्होंने भारत को संविधान दिया, भारत को सामाजिक न्याय का हर पढ़ा, इसलिए ऐसे महापुरुषों को याद करके उनके पद चिन्हों पर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता चलें, ऐसा हम लोगों ने आह्वान किया है।